गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम कराएंगे आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में किस में कराएंगे, ह्यूमन बींग्स में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। यानी हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जैसे प्लांट्स का हमने पढ़ा है जाइलम फ्लोएम के द्वारा। तो हमारी बॉडी में स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, जिसके द्वारा बॉडी के सभी भागों में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और जो फ्लूड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूड होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्फ का रोल भी सर्कुलेशन में है, लिम्फ भी काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग भागों में, ठीक है बच्चों। तो अब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, क्लोज का मतलब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में रहेगा, ओके। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप। ओपन में क्या होता है कि हार्ट तो होता है, हार्ट से ब्लड निकलता है, लेकिन वो ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के अंदर से होके चलता है विदाउट ब्लड वेसल्स, वो ओपन होता है, जैसे इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है, मोलुस्क हैं। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड है वो हमेशा किस में रहेगा, ब्लड वेसल्स में रहेगा। ब्लड वेसल में रहने से ब्लड का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अंडर प्रेशर के चलता है और बॉडी के सभी भागों को अच्छी मात्रा में पहुँचता है, ठीक है। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्टेब्रेट्स हैं, कोर्डाटा है, कोर्डेट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया। अब हम हमारी बॉडी में जो प्रेशर पैदा करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड अंडर प्रेशर बॉडी के सभी भागों में पहुंच जाए, तो वो जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है उसका नाम क्या, हार्ट। तो हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। तो हमारी बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड हार्ट। तो हार्ट की स्टडी करेंगे आप बच्चों। हमारी बॉडी में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, यानी कि हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं अलग अलग। चैम्बर होने का बेनिफिट क्या होता है कि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपस में क्या नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो मिक्सिंग न होने से बॉडी को जो ब्लड मिलता है, जो टिश्यू को ब्लड मिलता है हार्ट से, वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो टिश्यू को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, एक्टिव रहेगा, फास्ट रहेगा, जिससे ज़्यादा हीट, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हम वार्म ब्लड एनिमल्स में आते हैं। इसी प्रकार जो बर्ड्स होते हैं उनका हार्ट भी 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, वो भी क्या होते हैं, वार्म ब्लड, ठीक है एनिमल्स। अब जो एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, इनका हार्ट जो होता है 3 या 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। जैसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो इनके हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो मिक्स होता है, CO2 भी होती है, O2 भी होती है। तो उस मिक्स ब्लड से बॉडी के टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनका, इसलिए उनके अंदर इतनी एनर्जी पैदा नहीं होती कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट्स, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल्स। बट हमारी बॉडी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, कॉन्स्टेंट रखती है। बाहर का टेम्परेचर चाहे बेशक बदलता रहे, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम वार्म ब्लड एनिमल्स हैं। तो बच्चों अब सबसे पहले एक हार्ट का एक डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे हमारा हार्ट जो होता है आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, इस प्रकार हार्ट का एक आपको डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर है, 1, 2, 3, 4, 2 चैम्बर राइट साइड में और 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये जो चैम्बर है राइट साइड में, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, चारों के नाम है, ओके, लेफ्ट राइट वर्ड। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो जो ये साइड है मेरी, ये राइट है, और ये साइड क्या, लेफ्ट है। हमारा हार्ट यहाँ होता है बीच में, लंग्स के बीच में, लेकिन जो हार्ट का ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको अपेक्स बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा क्या होता है, मुड़ा होता है, लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। हार्ट की पोजिशन तो सेंट्रल है, बट उसका जो अपेक्स है ये लेफ्ट साइड में थोड़ा क्या होता है, टिल्ट होता है, ठीक है बच्चों, ओके। अब ये हार्ट में कहाँ कौन सा ब्लड है आपको मालूम होना चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कि जो ये जो बाहर
ये है, इसको हार्ट वाल बोलते हैं, ये हार्ट वाल है बच्चों, दिस इज कॉल्ड हार्ट वाल। ठीक है, ये पार्टीशन है पूरा जो अलग अलग चैम्बर को अलग अलग करता है, ऊपर वाले चैम्बर को भी अलग करता है और नीचे वाले चैम्बर को भी अलग करता है। ये जो हार्ट वाल है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो हार्ट वाल क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। इस हार्ट वाल के अंदर सारे टिश्यू होते हैं, क्योंकि हार्ट एक ऑर्गन है आप जानते हो, और ऑर्गन के अंदर तो टिश्यू होते हैं, तो हार्ट के अंदर सारे टिश्यू हैं। एपिथेलियम टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है, न्यूरॉन्स का भी नेटवर्क होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल्स होती हैं, समझे। तो हार्ट एक ऑर्गन है, इसमें सारे टिश्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हार्ट वाल जो होती है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और पेरिकार्डियम में मोस्टली क्या होती है, हार्ट मसल होती है, स्पेशल मसल जिनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, जो कभी भी फटीग नहीं होती, हमेशा काम करती रहती है। क्लियर, याद रखना। ये जो वेंट्रिकल की वाल होती हैं और ऊपर जो आपको एट्रियम की वाल है, इनमें क्या डिफरेंस है, एट्रियम की वाल थोड़ी क्या होती है, पतली होती है, एट्रियम की वाल थीन होती है और वेंट्रिकल की वाल क्या होती है, थिक। तो वेंट्रिकल की जो वाल होती है हार्ट वाल, वो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है, बॉडी में बाहर भेजना होता है हार्ट से, तो थोड़ा थिक होना जरूरी है। ये मॉडिफिकेशन इस फंक्शन के अनुसार है। और वेंट्रिकल में, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, इन दोनों में थिक वाल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा थिक वाल होती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, बॉडी के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल थिक होती है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं कि जो बॉडी से सर्कुलेशन कैसे होता है, बॉडी से कौन सा ब्लड कहां आता है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप, ये जो है ये राइट एट्रियम है, इसके अंदर बॉडी से ब्लड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, यानी यहां पर जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। हमारा हार्ट यहां होता है, ठीक है, हार्ट के जो नीचे का पोर्शन है बॉडी का, वहां से जो वेन्स होती हैं अलग अलग पार्ट में, वो सारी वेन कंबाइन करके और एक बड़ी वेन बनाती है, जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। तो एक तो वेना कावा ये है जो हार्ट के नीचे से आके यहां इंटर करती है, इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। और एक ये वेना कावा जिसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ये हार्ट के जो ऊपर का पोर्शन होता है वहां से आती है। जैसे हमारे हार्ट के ऊपर का जो पोर्शन है, वहां से जो भी वेन्स होती है अलग अलग ऑर्गन की, सारी कंबाइन करके बड़ी वेन बनाती है, जिसको वेना कावा बोलते हैं, और वो यहां पर आके इंटर करती है। तो यहां पर कौन सा ब्लड होता है, CO2, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब ये ब्लड यहां से यहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और यहां पर वाल्व होते हैं ऐसे, यहां पर जो वाल है, वाल्व है, उस वाल्व को तीन फ्लैप, फ्लैप का मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए, जैसे तीन गेट हो, मान लो एक दरवाजा है उसमें तीन गेट हो ऐसे, तो यहां पर थ्री फ्लैप होते हैं, वाल्व बनाते हैं, इनको हम ट्राइकैस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो यहां पर जो वाल्व होते हैं वो क्या बोलते हैं, ट्राइकैस्पिड वाल्व। ये वाल क्या फंक्शन करते हैं, जब ब्लड यहाँ से यहाँ आता है तो ब्लड की बैक फ्लो ना हो, वाल्व हमेशा बैक फ्लो को रोकते हैं। तो जो यहाँ से ब्लड आ जाएगा, 70% ब्लड तो यहाँ से अपने आप ही आता है नॉर्मली, और 30% जो एट्रियम है, एट्रियम की वाल्व कॉन्ट्रैक्ट करती है तब आता है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आ गया, यहाँ पर कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से चैम्बर में कौन सा होता है, हमको मालूम होना चाहिए। अब ये जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ये ब्लड जाएगा लंग्स में। तो यहाँ पर भी वाल्व होते हैं, ये पल्मोनरी एरोटा है, पल्मोनरी आर्टरी जो यहाँ से निकलती है राइट वेंट्रिकल से, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है दोनों लंग्स में, इसकी दो ब्रांच होती है, दोनों लंग्स में दो ब्रांच निकल जाती है, एक लेफ्ट लंग्स में और एक राइट लंग में, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भी वाल्व होते हैं। तब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऐसे, वेंट्रिकल की वाल्व कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो ब्लड है, ब्लड के प्रेशर से वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड एकदम अंदर चला जाएगा, और फिर वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि बैक फ्लो ना हो। तो यहां से गया ब्लड लंग्स में गया, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैस का। तो जो ब्लड यहां से गया CO2 को लेके लंग्स में, लंग्स में जाके आपको मालूम है लंग्स में जो आर्टरी है वो डिवाइड हो जाएगी किसमें, कैपिलरी में, और कैपिलरी का नेटवर्क किसके ऊपर होता है, एल्वुलाई के ऊपर। तो वहां पर गैस के प्रेशर के कारण क्या होता है, एक्सचेंज। तो CO2 तो वहां निकल जाएगी और O2 आ जाएगी ब्लड में। तो O2 लेके जो ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन के द्वारा यहां एंटर करेगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। तो
तो लेफ्ट एट्रियम में दो ये जो मैंने दिखाई है इनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, दो बैक साइड से इंटर करती हैं, दो यहां से इंटर करती हैं, याद रखना। तो पल्मोनरी वेन के द्वारा यहां पर कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आएगा, यहां पर वाल्व होते हैं, यहां पर वाल्व होते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकैस्पिड वाल्व, बाइकैस्पिड वाल्व। तो याद रखना ये दोनों चैम्बर एक साथ काम करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ब्लड यहां से यहां भी आ रहा है, यहां से यहां भी आ रहा है। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद, ताकि बैक फ्लो ना हो। जब ये वाल्व बंद होते हैं तब हार्ट में एक साउंड पैदा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, लब की साउंड पैदा होती है, लब। ये साउंड हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, डॉक्टर सुन सकता है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो जानता है, वो सुन सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहां से एक एरोटा निकलती है, ये एरोटा सिस्टमेटिक एरोटा, और ये जो एरोटा है ऐसे आर्क बनाती है, ऐसे एक आर्क, ठीक है, आर्क बनाती है। एक इसका पार्ट इधर बॉडी के नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा और इसकी जो ब्रांच है, हमारे जो आर्म्स होते हैं और हमारी नेक से होता हुआ ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट आर्म्स में, राइट आर्म्स में, और दो ये जो हैं आर्टरी, ये कहाँ जाएंगी, कैरोटिड आर्टरी, ये नेक से होती है, हमारे हेड को क्या सप्लाई करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी। और जो एरोटा का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हार्ट के जो नीचे वाले पोर्शन है उनको क्या सप्लाई करेगा, ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर भी वाल्व होते हैं ऐसे, जब ब्लड यहाँ से इसमें इंटर करता है और यहाँ से इंटर में करता है तो ये ब्लड के जाने के बाद, मतलब पंप होने के बाद, ये वाल्व वापस क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इनको सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं बच्चों, सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। जब ये क्लोज होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो, तब हर्ट से एक साउंड और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डब। तो लब और डब दो साउंड निकलती है हर्ट से। ये साउंड क्लिनिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये साउंड अगर सही सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से तो इसका मतलब हार्ट के वाल्व सही हैं। अगर यहाँ पर साउंड्स में डेविएशन है तो इसका मतलब वाल्व में कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो क्लिनिकल पॉइंट से ये जो होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट साउंड होती है और इनको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि लब की साउंड कब पैदा होती है और डब की साउंड कब पैदा होती थी, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए आप, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन से वो करता है, डबल सर्कुलेशन,